हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब हम डीडी फ्री डिस्क के सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करते हैं तो हमें एलएनबी फ्रिक्वेंसी क्या रखना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चला गया मैं प्रोग्राम सेटअप पे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप ऑटो स्कैन करें तो एडिट प्रोग्राम पे जाने के बाद सारे चैनल को पहले डिलीट कर दें, ठीक है। इस तरह से डिलीट करने से ऐसा होता है, क्या होता है दोस्तों, अगर आप डिलीट नहीं करते हैं और दोबारा से ऑटो स्कैन करते हैं तो चैनल सारे डबल डबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सारे चैनल को पहले डिलीट कर देना चाहिए। अब मैंने डिलीट कर दिया है और उसके बाद अब जाते हैं प्रोग्राम सेटअप पे। और प्रोग्राम सेटअप पे आने के बाद सबसे नीचे देखेंगे ऑटो स्कैन है। और यहाँ पे ऑटो स्कैन आने पे कई लोग देखते हैं कि यहाँ पे 0.5150 है, तो इस पे भी आप स्कैन कर सकते हैं। एक होता है 0.9750, इस पे भी आप ऑटो स्कैन कर सकते हैं। देखिए, इस पे भी ऑटो स्कैन कर सकते हैं। और एक होता है 10600, तो आपको यहाँ पे डाल देना है 10600, ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं 10600। और स्कैन मोड हमेशा फ्री होना चाहिए और 22K ऑफ होना चाहिए। और डिस्क्यूसी अगर आप लगा रखे हैं तो 1-2 रखिए, नहीं तो ऑफ रखिए। उसके बाद आप ऑटो स्कैन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 0.5150 पे स्कैन करेंगे तो कम चैनल आएगा, 97.50 पे करेंगे तो और ज़्यादा चैनल आएगा, या 10600 पे करेंगे तो और ज़्यादा चैनल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पे भी आप करिए, चैनल उतने ही आना है, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।